IPL 2022 की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है। 29 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पूरा शेड्यूल अब आ चुका है। पहला मैच 26 मार्च को शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। मतलब पिछले बार की चैंपियन और पिछले बार की उप विजेता के बीच ये मुकाबला होगा। वानखेड़े स्टेडियम में पहला मुकाबला खेला जाएगा और शनिवार 26 मार्च को पहला मुकाबला खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 27 मार्च शनिवार को खेला जाएगा। और इस दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच ब्रेवॉन स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 27 मार्च को ही दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा आखिरी लीग मुकाबला अगर बात करें तो 22 मई को खेला जाएगा और आखिरी लीग मुकाबला सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फिलहाल BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल ने अभी लीग मैचों का शेड्यूल जारी किया है और आखिरी के 4 मैचेस का शेड्यूल उन्होंने नहीं जारी किया है। कुल 70 मैचों का शेड्यूल आया है, जिसकी शुरुआत 26 मार्च से होगी और 22 मई तक लीग मुकाबले खेले जाएंगे। उसके बाद 23 मई से 29 मई के बीच एलिमिनेटर सेमीफाइनल मुकाबले होंगे, साथ ही 29 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बाकी आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा शेड्यूल है और इस पूरे शेड्यूल में आप एक एक मैचेस के बारे में जान सकते हैं और देख सकते हैं कि कब कब किस टीम का मैच है और किस टाइम ये मैच खेले जाएंगे। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं और एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहले 40 मुकाबले दिखाए गए हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 41 से लेकर 70 मुकाबले दिखाए गए हैं। मतलब 1 से लेकर 70 मुकाबले जो कि लीग में खेले जाने हैं, BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल ने अभी वही शेड्यूल जारी किया है। बाकी जो 4 मुकाबले आखिर में होने हैं उसका शेड्यूल और वेन्यू अभी नहीं आया है। वो IPL के बीच में ही, मतलब IPL के दौरान ही BCCI जारी करेगा।